इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने भद्रोया वन विश्राम गृह में पौधे लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया व समस्त लोगों को पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने बताया, आज समस्त विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस बीमारी में सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की आ रही है। अतः उसका मुख्य कारण धड़ाधड़ पेड़ों का कटान है। जहां 100 पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां 10 पेड़ लगाए भी नहीं गए। अगर पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। अगर पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम भयानक बीमारियों से बचने में सक्षम रहेंगे। वहीं उन्होंने ये भी अपील की है, अगर बहुत ही जरूरी हो तभी पेड़ काटे, अन्यथा नहीं। इस मौके पर रेंज ऑफिसर सुमनलता, श्यामलाल, सुखजिंदर सिंह आदि कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज विश्व पर्यावरण दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसी के उपलक्ष में हमने ये पौधे लगाए हैं और मैं आपसे भी सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आने वाले बरसात के मौसम आने वाला है, हर एक आदमी जो है अपना एक एक पौधा लगाए और उस पौधे की देखभाल अपने बच्चों की तरह करे, ताकि हमें आने वाले समय में जो इस वक्त जो कोरोना के समय जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है, आने वाले समय में ऐसी समस्या हमारे आगे ना आए, हमारे बच्चे जो है अच्छे से जी सके और ऑक्सीजन का लेवल जो है पूरा हो सके। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।